ये सेंट पीटर्स स्क्वायर बिल्डिंग, इधर से हम स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं और ये सेंट्रल मैनचेस्टर की जगह है। ये यहाँ पर पता नहीं क्या है, बड़ी हमारी इंडियन संसद भवन वाली जैसी बिल्डिंग लग रही है। गोलमाल देख के बताते हैं आपको क्या है ये। योर वर्ल्ड, यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है मूवी शूवी कुछ लगी हुई है, थिएटर है शायद ये। ये इधर ट्राम अभी भी चलते हैं लंदन में और मैनचेस्टर में, और ये जो है वो उसमें थिएटर है। ये ट्राम का स्टेशन है, लोग बैठते हैं, आधे लोग टिकट लेते हैं आधे नहीं लेते हैं इसमें। और बड़ा धीरे 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 आप पूरा शहर घूम सकते हैं, अच्छे से व्लॉग भी बना सकते हैं। ये यहाँ कहानियों की किताबों की और इनकी है ना एग्जीबिशन लगी हुई है, पहले सर्कस लगा हुआ था यहाँ पे। जेम्स राम से रिटायर्ड जनरल था, हवा स्टोन है ये एग्जीबिशन सेंटर पे। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे एग्जीबिशन लगते हैं। वाओ ये देखें आप, डस्टबिन की रोल लगी हुई है यहाँ पे खाने पीने के लिए, आप पे करो लो। यहाँ पे पढ़ने के लिए और कहीं डोनेशन लेना है, अलग अलग मकसद के लिए ये कहानियाँ का है। ये किताबें बैग वगैरह कुछ खरीदना हो तो लिफ्ट सर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं। नीचे जाने के लिए परफॉर्मेंस स्पेस से पहले ये बी बनी हुई है और कई परफॉर्मेंस स्पेस यहाँ पे है। ये नीचे यहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है, लाइब्रेरी मेडल, बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग बाग पढ़ रहे हैं, फैमिलीज, टॉयलेट्स, सिटी लाइब्रेरी। रीडिंग लाइफ का जर्नी फिर भी लिया वो, जो इसमें पूरा मैप दिया हुआ है लाइब्रेरी का, पूरे मैनचेस्टर सिटी का मैप है ये। रिफ्यूजी आर वेलकम अवेयरनेस के लिए भी इधर लगाया हुआ है, बच्चे के लिए अलग से स्पेशल बना। लोग वॉक पढ़ रहे हैं, किताबें हैं, कंप्यूटर है, बच्चों के लिए स्पेशल अट्रैक्शन है।